अब तो सच में गए। अरे भाई क्या हुआ? 3 हफ्ते पहले कार एक्सीडेंट हुआ था ना। हाँ। जिसकी वजह से काम पर नहीं जा पा रही। आई नो दैट। अब तो इंश्योरेंस ने ट्रीटमेंट भी डिनाई कर दिया। अरे तुम दिल छोटा मत करो, बस कॉल करो अपने कम्युनिटी के इंजरी लॉयर सैयद एम रजा को और सुनो, सैयद ला गॉट ओवर अ मिलियन डॉलर्स इन सेटलमेंट टू वन ऑफ हिज क्लाइंट्स। व्हाट? ओवर अ मिलियन डॉलर टू हिज क्लाइंट? जी हाँ। अब हुआ ना अपनी कम्युनिटी के लॉयर का फायदा। 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, इजीली एक्सेसिबल, गेट द कॉम्पेंसेशन यू डिजर्व एंड नो फी अंटिल ही सेटल्स योर क्लेम, कार एक्सीडेंट और स्लिप एंड फॉल। Call Sayyed M. Raza of Sayyed Law. नाज़रीन, हम आपको टाइम्स टॉक में खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे मेहमान बैरिस्टर सैयद एम रज़ा हैं, जो कि इस शहर की बड़ी जानी मानी शख्सियत हैं और एज़ ए बैरिस्टर इन्होंने जो कम्युनिटी के लिए जो काम कर रहे हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और न सिर्फ इनका अपना जो प्रोफेशन है उसमें इनकी एक्सपर्टीज़ तो अपनी जगह, लेकिन ये इसके साथ जो कम्युनिटी के लिए जो इनका जो हेल्प है इनकी, वो एक इनका अलग सब्जेक्ट भी है जिसमें कि ये जो सर्विसेज हैं वो अपनी दे रहे हैं। लेकिन आज हम इनसे बात करेंगे इनके प्रोफेशन के हवाले से और उसके सिलसिले में जो इनका एक्सीडेंट का जो इनकी एक्सपर्टीज़ है उसके ऊपर बात करेंगे। पिछले 15 साल से सैयद रज़ा जो हैं इस शोबे से वाबस्ता हैं और ये सिर्फ इसी सब्जेक्ट पर चूँकि काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लॉयर्स और अटर्नीज़ होते हैं जो कि मल्टीपल चीज़ें कर रहे होते हैं, उसके अंदर जो उनकी एक्सपर्टीज़ होती हैं वो ज़रा थोड़ी सी शेकी हो जाती हैं या उसके अंदर थोड़े से क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन सैयद रज़ा जो हैं इन्होंने हमेशा शुरू से ही एक्सीडेंट किया है और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये एक अथॉरिटी है अपने काम में, तो हम इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। जी सैयद साहब जी, शुक्रिया बहुत बहुत नदीम साहब आपका, आपने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया और इस इंटरव्यू के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपके नाइस इंट्रोडक्शन का भी। नहीं, आपकी ज़रा नवाजी है और मैं आज से नहीं बल्कि हमेशा से आपको देख रहा हूँ और जिस तरह आप कम्युनिटी की मुख्तलिफ चीज़ों में इन्वॉल्व रखते हैं अपने आप को, सोशल सर्कल में भी और हर जगह मौजूद होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे पता है अटर्नीज़ के पास टाइम नहीं होता, लेकिन ये कि आप बहरहाल वक्त निकालते हैं, वक्त को मैनेज करते हैं, अपनी फैमिली को वक्त देना, फिर सोशल वर्क को वक्त देना, फिर अपने दफ्तर को वक्त देना, इट्स रियली अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। जी नदीम साहब, हमारा मोटो ये है कि जो हम कम्युनिटी हमें बिज़नेस देती है तो हम कम्युनिटी को कुछ रिटर्न करें। जी हम ये चाहते हैं कि कम्युनिटी जो है वो हम में इन्वॉल्व फील करें अपने अंदर, तो इसलिए हमारी कम्युनिटी में जो रिप्रेजेंटेशन है हम उसको ऑलवेज वी मेक आवर सेल्फ प्रोमिनेंट इन कम्युनिटी। जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन हो सके कम्युनिटी में वो हम करते हैं और आप जैसे लोग हमें सपोर्ट करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइए, मेरा सवाल आपके जो फील्ड है उसके हवाले से पहला सवाल ये होगा कि हाउ यू डिफाइन एक्सीडेंट? जी आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखें, एक्सीडेंट हर वो चीज़ है जो विदाउट एनी प्लानिंग हो जाए। अच्छा। मीन्स टू से दैट मैं रोड पे जा रहा था, गाड़ी चला रहा था और किसी ने मुझे हिट कर दिया, इट वाज नॉट प्लान्ड। इसी तरह से जो है फ़र्ज़ किया कोई आदमी जो है वो जा रहा था, वॉकवे पे जा रहा था, वहाँ पे स्नो वगैरह थी थोड़ी बहुत, वो स्लिप हुआ और वो गिर गया विदाउट एनी प्लानिंग। जी तो इस किस्म के जो भी चीज़ें होती हैं जो अनप्लान्ड हो, पर्टिकुलरली जो इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ में होती है, तो उसको एक्सीडेंट डिफाइन किया गया है। इसी तरह से जो है वो डिफरेंट डेफिनेशन एक्सीडेंट की, फ़र्ज़ किया कि कोई अचानक डेथ हो जाती है किसी की कार एक्सीडेंट में वगैरह वगैरह, वो भी कहते हैं एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई। लेकिन अगर कोई हार्ट अटैक जो हो किसी को, तो वो नहीं कहते कि ये एक्सीडेंट हो गया है, राइट? क्योंकि हार्ट अटैक जो है वो एक इंटरनल बॉडी का मैकेनिज्म है, उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो शायद इतने इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि ये एक्सीडेंट जो होता है इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कोई दूसरा पर्सन इन्वॉल्व होता है, किसी दूसरे पर्सन की नेग्लिजेंस इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से इसको एक्सीडेंट कहा जाता है। और जो इंश्योरेंस एक्ट है उसमें एक्सीडेंट को डिफाइन भी यही किया गया है कि एनी कोलिजन ऑफ टू कार्स और विद एनी अदर ऑब्जेक्ट विच हैपेंस अनप्लान्ड, इसका कोई प्लानिंग नहीं हो। लेकिन फ़र्ज़ कर लिया कि अगर दो लोग जो हैं वो दे डिसाइड टू कॉज एन एक्सीडेंट, सो दैट इज़ नॉट एन एक्सीडेंट, दैट इज़ प्री प्लान्ड, सो दैट डज नॉट कम विद इन द
डेफिनेशन ऑफ एक्सीडेंट, और उसमें जो है अगर वो क्लेम करने जाएंगे तो उनको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। अच्छा 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 जी हाँ, ये सबसे बड़ी बात जो ये आपकी बात से मुझे याद आया कि हमारी जो कम्युनिटी है उसमें अवेयरनेस की बड़ी कमी है। हम लोग चीज़ें सीखते नहीं हैं, और हमें ये नहीं पता होता कि सपोज़ एक्सीडेंट हो गया, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, और उस वजह से मैं समझता हूँ बड़े केसेस ख़राब हो जाते हैं। तो इस मौके पे आप क्या कहेंगे कम्युनिटी को, आप क्या करना चाहिए जैसे अगर किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होते हैं? जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। असल में मसला ये है कि नदीम साहब के जो हमारी कम्युनिटी जिस बैकग्राउंड से आती है ना जी, वहाँ पे आपको पता ही अभी भी कोई लीगल अवेयरनेस नहीं है। लोग जो हैं वो बस एक जो है वो चल जाते हैं, एक चीज़ के पीछे चल जाते हैंगे। तो जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा लीगल अवेयरनेस है, लेकिन वो लोग जो हैं वो जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि मतलब हमारे राइट्स क्या हैंगे। पीपुल पे इंश्योरेंस मनी, और लोग जो हैं अपनी घर की भी इंश्योरेंस हैगी, तो उनकी कार की भी इंश्योरेंस हैगी, तो अदर्स जो हैं वो कोई और भी बहुत सारे जो हैं वो एक्सेस इंश्योरेंस भी लेते हैंगे। लेकिन जब क्लेम हो जाता है तो अक्सर औकात ये देखा गया है, और आपने भी मतलब ये अभी कि लोग क्लेम करते हुए भी डरते हैंगे। वो समझते हैं कि अगर हम क्लेम कर रहे हैं तो हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जो होगा आइदर इंश्योरेंस कंपनी हमारे ऊपर लगा देंगी, या हम जो है वो कोई बेसिकली ऐसा गलत काम कर रहे होंगे, जबकि ये बिल्कुल रॉन्ग हैगा। देखिए, एक दफ़ा जब आपने जो है वो आपका एक्सीडेंट हो गया, आपके पास पॉलिसी हैगी, तो आपको उस पॉलिसी में जो जो भी चीज़ें आप प्रीमियम अपना पे करते हो 300, 400, 200 व्हाटएवर डिपेंडिंग ऑन योर रिकॉर्ड एज एक्सपीरियंस, उसमें जो प्रीमियम पे करते हैं ना उसमें पूरा जो है वो उसका कंपोनेंट्स बने हुए होते हैंगे कि ये मेड का कितना हैगा, आपकी व्हीकल का डैमेज कितना हैगा, रेंट कार का डैमेजेस जो है वो आप कितना पे कर रहे होगे, यानी प्रीमियम आप कितना पे कर रहे होंगे, ये सब उसके कंपोनेंट बन के वो अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करता है, बॉडीली इंजरी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो यू ऑलरेडी हैव पेड मनी फॉर ऑल दोज सर्विसेज विच यू मे गेट जब कोई एक्सीडेंट हो जाए आपका। तो इसलिए जो है ये चीज़ जो है वो बहुत से लोग मुझसे जब कॉल करते हैं इनिशियली मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि जी हमारी इंश्योरेंस तो नहीं बढ़ जाएगी, तो मेरा उनको सिंपल जवाब होता है कि देखें इंश्योरेंस का रेट जो इन्फ्लेशनरी फैक्टर्स की वजह से अगर बढ़ रहा हैगा तो वो बढ़ रहा हैगा, राइट 2-4% अगर बढ़ रहा हैगा, लेकिन आजकल तो इंश्योरेंस रेट थोड़े से कम हुए हैंगे या वो कांस्टेंट हैंगे डिपेंडिंग ऑन योर रिकॉर्ड। तो जब आपने जो है वो प्रीमियम पे किया हुआ हैगा ऑलरेडी, तो और आपका फॉल्ट नहीं है, तो आपकी इंश्योरेंस बढ़ने का जो है वो कोई चांस नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि इंश्योरेंस जो है बेसिकली ये एक इंश्योरेंस कंपनियां जो करती हैं ये रिस्क बेस्ड असेसमेंट करती हैं। उसका मतलब ये हैगा कि जितना रिस्की ड्राइवर हैगा उतनी ज़्यादा उसकी इंश्योरेंस होगी। फ़र्ज़ किया कि अगर एक शख्स जो है वो ड्रिंक एंड ड्राइव करता है और उसके बाद में वो चार्ज हो जाता हैगा, तो ऑब्वियसली उसका इंश्योरेंस प्रीमियम काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, मे बी $600-700 हो जाएगा, और बहुत सी इंश्योरेंस कंपनी उसे इंश्योर्ड भी नहीं करना चाहेंगी। उसका रीज़न ये है, वो कहेंगे कि गाड़ी में ब्लोअर लगाओ अपना ताकि तुम्हारा ब्रेथलाइजर टेस्ट हो बिफोर यू स्टार्टेड, वो सारा जो है। तो ये जो है इंश्योरेंस सिस्टम जो है ना, जो प्रीमियम होता है ये रिस्क बेस्ड होता है। बट लेकिन अगर आपकी गलती नहीं हैगी तो आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं हैगी। लेकिन अगर क्योंकि ऑन्टेरियो में जो सिस्टम हैगा वो ये हैगा कि नो फॉल्ट इंश्योरेंस सिस्टम हैगा कार एक्सीडेंट की सूरत में। नो फॉल्ट का मतलब ये हैगा कि चाहे आपका फॉल्ट हो या ना हो, यू आर एलिजिबल फॉर अ क्लेम। हाँ, फर्क ये हैगा, फर्क ये है कि अगर फॉल्ट हैगा तो आप दूसरे जो अदर ड्राइवर है उसको आप सू नहीं कर सकते हैं, या अगर आपने कोई मीडियन पे हिट किया, कोई आपने ग्रिल पे हिट किया, गाड़ी लॉस हुई, कोई डैमेज हुआ, तो आप जो है आपके पास किसी अदर को सू करने का राइट नहीं है। लेकिन एज लॉन्ग एज यू आर नॉट एट फॉल्ट, तो आपके पास राइट ये होता है कि आप जो नेगलिजेंट ड्राइवर है यानी जिसकी गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, आप उसको सू कर सकते हैं। तो आपने भी, आप भी रखते हैं $2 million की पॉलिसी, आपने भी ली हुई होगी, मैंने भी इतनी की ली। ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो है बेसिकली आजकल रिस्क की वजह से $2 million का लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं। उसका मतलब ये हैगा कि आप जो है इंडेमनीफाइड हो बाई दी इंश्योरेंस कंपनी अप टू $2 million, यानी अगर आपकी वजह से या मेरी वजह से किसी का एक्सीडेंट होता है तो मेरी इंश्योरेंस कंपनी जो अदर ड्राइवर हैगा उसको $2 million तक का क्लेम पे करेगी। तो ये कहलाता है इंडेमनीफाइड ड्राइवर। इंडेमनीफाइड का मतलब ये है कि यू आर प्रोटेक्टेड। अच्छा, अगर आपको कोई सू करेगा तो लॉ में एक टर्म है प्रोटेक्टेड डिफेंडेंट, यानी जो सू करने वाला होता है वो प्लेंटिफ होता है, जिसको सू किया जाता है। तो मैं प्रोटेक्टर, अगर मेरी गलती है तो मैं एक प्रोटेक्टेड डिफेंडेंट हूँगा एज लॉन्ग एज मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी है। इसीलिए जो है ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर वक्त आप जब भी ड्राइव कर रहे हैं, आपकी अपनी कार हैगी जो भी कार है, तो आपके पास उस वक्त जो है वो
आपकी कार पे हर वक्त जो आपकी इंश्योरेंस है वो एक्टिव हो। वैसे तो मतलब इल्लीगल है ड्राइव करना बगैर इंश्योरेंस के, बहुत से लोग फिर भी करते रहते होंगे, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई गलती हो गई और एक्सीडेंट हो गया तो बिलीव मी नोबडी इज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है जो आपने बात की इससे कि ये इंश्योरेंस कंपनियाँ जो हैं जब इस किस्म की सिचुएशन में कोई शख्स जाता है तो बहुत हीलो हुज्जत करती हैं वो इंश्योरेंस देने में, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा उसको बना देती हैं, ये क्या वजह है? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन बात दरअसल ये है कि जब आप इंश्योरेंस कंपनी से डील कर रहे हैं ना तो आप डील कर रहे हैं एक्सपर्ट लोगों से। एग्जैक्टली। उनके जो एडजस्टर्स हैंगे और उनके जो लॉयर्स हैंगे या उनकी एडजस्टर्स की और बॉडीली इंजरी क्लेम एडवाइज़र की जो ट्रेनिंग है ना वो बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग है। जी। और एक चीज़ और आप ये देख लें कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं दे आर इन बिजनेस, उस फ्लॉज निकालती हैं ना उसमें से वो। बिल्कुल आपने सही कहा, फ्लॉज निकालने के साथ साथ दे आर इन बिजनेस, मतलब ये हैगा कि दे आर देयर टू मेक प्रॉफिट। एग्जैक्टली। वो कम्युनिटी सर्विस के लिए नहीं है। बिल्कुल सही, देयर फॉर प्रॉफिट। जब वो कम्युनिटी सर्विस के लिए नहीं है तो दे आर देयर फॉर प्रॉफिट। और जो उनके एजेंट्स हैं यानी जो उनके जो एडजस्टर्स वगैरह हैं उनका क्या काम है? उनका काम ये अपनी कंपनी के लिए सरप्लस यानी प्रॉफिट क्रिएट करना। बिल्कुल सही। और वो जब भी क्रिएट कर सकती है जब वो जो पे आउट्स जो होने हैं उसको मिनिमाइज करें। तो अब बात दरअसल ये है कि बहुत से लोग जो है ना वो क्लेम को जो है वो खुद हैंडल करते हैं, राइट? जब आप खुद हैंडल करोगे, जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आपको को, तो जाहिर बात है इंश्योरेंस कंपनी तो टफ टाइम देगी, वो आपसे टेक्निकल लैंग्वेज में बात करेगी। exactly, राइट बात है। exactly. वो आपको लीगल टर्म्स में समझाए, आपको समझ में नहीं आएगा, राइट? तो जब चीज़ समझ में नहीं आएगी तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हैगा कि देखिए जब तक जो है वो आप लॉयर एक रिटेन नहीं करेंगे, एक्सपर्ट लॉयर, पर्टिकुलरली आपके इंजरीज के क्लेम को जो है वो डील करने के लिए, बिलीव मी यू नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। बड़ा सिंपल सा रीज़न हैगा व्हाई दे पे यू व्हेन यू कैन नॉट क्रिएट अ डिस्प्यूट। ठीक है, लॉ जो है ना, लॉ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? डिस्प्यूट, राइट? अगर डिस्प्यूट है दो लोगों के बीच में तो इसका मतलब है कि एक जो है वो क्लेम कर रहा है, राइट? और एक क्लेम लेने वाला है और एक क्लेम देने वाला है, राइट? तो अब जब तक डिस्प्यूट क्रिएट नहीं होगा, और डिस्प्यूट करने के लिए आपको क्या चाहिए? डिस्प्यूट क्रिएट करने के लिए चाहे वीक एविडेंस क्यों ना हो, आपको चाहिए एविडेंस, एविडेंस चाहिए, राइट? जब तक तो लॉयर का क्या काम है इसमें? लॉयर जो है वो क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज को समझते हैं, उनके एडजस्टर को समझते हैं कि वो किस तरह से डील करेंगे, तो लॉयर जो होता है वो असेंशियली डिस्प्यूट क्रिएट करता है। डिस्प्यूट इसका मतलब नहीं वो जानबूझ के डिस्प्यूट करता, डिस्प्यूट वो ये क्रिएट करता है पर्टिकुलरली इंजरी के केस में हम क्योंकि बात कर रहे हैं कि जी ये शख्स को ट्रीटमेंट चाहिए है अभी, ही इज नॉट बैक टू नॉर्मल व्हाट ही वाज बिफोर द एक्सीडेंट, इसको ट्रीटमेंट चाहिए, आप इसको ट्रीटमेंट दो। अब अगर आप ट्रीटमेंट नहीं दोगे तो ये डिस्प्यूट हैगा। जब ये डिस्प्यूट हैगा तो अब इसका हल क्या है? इसका हल यही है, हमारे पास एविडेंस हैगी, इंश्योरेंस कंपनी के पास एविडेंस हैगी कि जी ये एविडेंस है हमारे पास, इसको चाहिए, अब आए आप बैठ के बात करें कि आप करना क्या चाहते हैं, वरना ये मैटर जो है ये कोर्ट में जा रहा है, फिर जज डिसाइड करेगा कि हु इज़ राइट हु इज़ रॉन्ग। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैगी इस चीज़ को समझना। तो मैं आपके इस प्रोग्राम के थ्रू मैं अपने कम्युनिटी के सारे लोगों से मैं ये कहूँगा कि देखें यू आर पीपल आर लकी कि आप ऑन्टेरियो में हैंगे और यहाँ पे जो है बहुत एक्सपर्ट लॉयर्स जो हैं इंजरी के लॉयर्स अब अवेलेबल हैंगे और पर्टिकुलरली हमारी कम्युनिटी में भी जो है जो कि पर्सनल इंजरी में लेकिन कम हैंगे लेकिन पर्सनल इंजरी के लॉयर भी हैं। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जी आपका एक क्लेम हैगा और आपने इस क्लेम पे फोकस करके एक्सपर्टीज को रिटेन करना हैगा और ताकि आपका क्लेम लेके चल सके। बहुत से लोग जो होते हैं उनको कुछ नेगेटिव फीडबैक मिलती है कि जी ये हो गया, ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया। देखिए बात दरअसल ये नहीं है, बात ये है कि जब तक आप खुद जो है वो चीज़ को एक्सपीरियंस ना करें ना आप कि जी ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो जब तक आपको जो है आपका क्लेम हैगा आपको अपने राइट को प्रोटेक्ट करना है और ये राइट जब भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं जब आपके साथ एक एक्सपर्ट लीगल एडवाइज़र जो है लॉयर यानी आपके साथ अवेलेबल हो। तो बिलीव मी के मतलब ये कि जो मतलब हम जो है वो हम इस बात की कोशिश करते हैं जब भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि हम अपने क्लाइंट के क्लेम को मैक्सिमाइज करें। उसका मतलब ये हैगा कि जब हम जो है क्योंकि वो हम उसके सिस्टम को समझते हैं सारा सोशल सिस्टम को एक्स्ट्रा फैमिली सिस्टम, तो हम उसके क्लेम को मैक्सिमाइज करें। अच्छा। तो ये हमारा काम हैगा।
ये बताइए कि आप किस किस एरियाज में डील, मतलब किस 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 किस्म की आप जो ये होती हैं इंजरीज होती हैं, किस किस किस्म की इंजरीज हैं जिसमें आप डील करते हैं? हाँ देखिए, एक तो चीज़ है जो हम अभी एक्सप्लेन कर रहे थे कि कार एक्सीडेंट ना, ये तो बड़ा कॉमन यहाँ पर हैंगे, बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके रीजंस आपको भी पता है, जो जॉब पे स्लिप एंड फॉल है। तो जो दूसरी जो है वो स्लिप एंड फॉल है, कार ट्रिप एंड फॉल। स्लिप एंड फॉल बेसिकली ये है कि कोई वॉकवे पे जा रहा था, सिटी ने प्रॉपर क्लीनिंग नहीं की, वहाँ पे उसका स्लिप हो गया, कोई उसका फ्रैक्चर वगैरह हो गया। अक्सर औकात स्लिप एंड फॉल में जो है पर्टिकुलरली विंटर में फ्रैक्चर काफ़ी होते हैं। इसमें जो है एल्बो फ्रैक्चर बड़े कॉमन हैंगे, शोल्डर फ्रैक्चर, क्योंकि जब इंसान गिरता है तो वो हाथ से रुकने की कोशिश करता है तो बहुत प्रेशर आता है ना, तो वो ये बड़े कॉमन हैंगे। उसके अलावा बहुत सी दफ़ा नी फ्रैक्चर जो है वो भी हैगा। उसके अलावा जो है वो कोई प्राइवेट जो है वो प्रॉपर्टी पे, प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब ये कोई मॉल हैगा, वहाँ पे जो है वो स्लिप हो गया, कोई ट्रिप हो गया, कोई वहाँ पे पॉट होल था उधर गिर गया, कोई बहुत सी दफ़ा जो है वो ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं वहाँ पर कोई मिल्क जो था वो लीक हो गया, वो जो है फ्लोर पे आ गया, कोई ऐसा और जो है वो कोई बेसिकली केमिकल ऑन द फ्लोर था जिसकी वजह से स्लिपरी कंडीशंस हो गई, वो गिर गया। उसके अलावा एक और चीज़ जो है एरिया जो अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रहा है वो है कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट इंजरीज, यानी फ़र्ज़ किया कोई खातून गई थी कोई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट लेने के लिए, वहाँ पर जो उन्होंने कोई फेशियल कराया, कोई स्किन ट्रीटमेंट कराई अपना, कोई और ट्रीटमेंट कराया, तो जिसकी वजह से कोई बॉडी मार्क्स डेवलप हो गए जो परमानेंट हो गए। तो ये जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया जो अभी जो है इंजरीज में डेवलप हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो जो ब्यूटी पार्लर वाले हैं दे आर बाइंग, मतलब ये कि गुड लाइबिलिटी इंश्योरेंस के अगर कोई सू आ जाए तो उसको जो है वो कवर किया जा सके। उसके अलावा जो है वो एरोप्लेन में लोग ट्रैवल करते हैंगे, एयरपोर्ट पे जो है बहुत सी दफ़ा कंडीशंस होती हैं, इंजरी हो जाती है, एरोप्लेन के अंदर इंजरीज हो जाती हैंगी। हमने जो है बहुत सारे एरोप्लेन इंसिडेंट के केसेस किए हैं, एरोप्लेन ने टेक ऑफ किया एकदम से रुक गया, उसके बाद में जो है लोग जो है वो दे पीपल गॉट द शॉक दे फेल डाउन, तो वो जो है तो ये सारे एरियाज जो हैं ये हम लोग कवर करते हैंगे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डॉग बाइट का केस है, अभी समर आ रहा है, इसमें अक्सर लोग जो है दे लेट द डॉग लीच यू नो वॉट लूज और उसके बाद में डॉग जो है किसी को बाइट वाइट कर लेता है, तो ये जो है ये सारे एरियाज हैं जिसमें हम डील करते हैंगे। लेकिन अदर देन कार एक्सीडेंट जो है ना, दूसरे एरियाज में क्लेम लेना ज़्यादा आसान हैगा। अच्छा, वो इसलिए कि उसमें कोई डिडक्टेबल नहीं हैगा, उसमें क्लेम आराम से जो है वो तकरीबन आप समझ लें एक साल के अंदर अंदर सेटल होने का चांस होता हैगा। जी अच्छा, नाज़रीन हमारे साथ रज़ा साहब मौजूद हैं स्टूडियो में, हम इनसे बातचीत कर रहे हैं और ये बड़ी इंफॉर्मेटिव बातचीत है और आपको बड़ी तवज्जो से ये तमाम बातें सुननी चाहिए, इसलिए कि आप नहीं जानते कि अगले लम्हे में क्या होगा। तो इसके साथ हम एक ब्रेक पे जाते हैं, जब हम वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहें। गए गए गए, अब तो सच में गए। अरे भाई क्या हुआ, 3 हफ्ते पहले कार एक्सीडेंट हुआ था ना। हाँ। जिसकी वजह से काम पर नहीं जा पा रही। आई नो दैट। अब तो इंश्योरेंस ने ट्रीटमेंट भी डिनाई कर दिया। अरे तुम दिल छोटा मत करो, बस कॉल करो अपने कम्युनिटी के इंजरी लॉयर सैयद एम रजा को, और सुनो सैयद ला गॉट ओवर अ मिलियन डॉलर्स इन सेटलमेंट टू वन ऑफ हिज क्लाइंट्स। व्हाट, ओवर अ मिलियन डॉलर टू हिज क्लाइंट? जी हाँ, अब हुआ ना अपनी कम्युनिटी के लॉयर का फायदा। 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, इजीली एक्सेसिबल, गेट द कॉम्पेंसेशन यू डिजर्व एंड नो फी अंटिल ही सेटल्स योर क्लेम, कार एक्सीडेंट और स्लिप एंड फॉल। सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ। नाज़रीन वेलकम बैक, जैसा कि आपको पता है कि सैयद रजा साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जितने ज़्यादा सवाल इनकी मौजूदगी से सुन सकें और इन्फॉर्मेशन ले सकें और आप तक पहुंचा सकें, क्योंकि इनका मिलना बड़ा मुश्किल होता है और आज ये हमें पकड़े गए हैं, तो हमने कहा कि इनसे जो है ज़रा बातों बातों में मोहब्बत में आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन ले लें जो कि आपको बहुत खर्चा करके मिलती हैं। हम आपको ये इन्फॉर्मेशन फ्री दे रहे हैं, तो आप ये याद रखिए कि इसको देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए। तो सैयद साहब, जैसा कि आपने बताया, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि ये लोग जो हैं किस किस्म के, जब एक्सीडेंट होता है तो किस किस्म के अमूमन क्लेम जो हैं करते हैं, क्या आपका क्या तजुर्बा है? देखिए मैं पहले थोड़ा सा कार एक्सीडेंट्स के बारे में बताऊँगा, क्योंकि वो जो है वो बड़ा मेजर एरिया है का। क्योंकि कार एक्सीडेंट जब हो जाता है तो जो पॉलिसी में जो बेनिफिट्स हैं वो उसमें दो किस्म के बेनिफिट्स हैं। एक तो एक्सीडेंट क्लेम हैगा जिसमें के जो अपनी इंश्योरेंस कंपनी है, यानी अगर मैं एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हूँ तो मेरी अपनी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो मुझे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी, मुझे इनकम लॉस देगी। उसके अलावा मैं अगर घर का काम नहीं कर सकता, यानी हाउसकीपिंग नहीं कर सकता, वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। अगर जो है इंजरी जो है मतलब ख़तरनाक है तो वो जो है वो पर्सनल सपोर्ट वर्कर भी घर पे प्रोवाइड करेगी, और जो है वो ट्रांसपोर्टेशन भी देगी ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, ये सारा देगी। तो
ये क्लेम जो होता है ये कहलाता है एक्सीडेंट बेनिफिट्स का क्लेम। अच्छा, एक्सीडेंट बेनिफिट्स जिसको जो है वो एक्सीडेंट बेनिफिट्स यानी AB क्लेम कहा जाता है। इसमें जो है वो जो ट्रीटमेंट हैगा इसको, लेकिन स्टार्ट करने के लिए जो है ऑब्वियसली जैसा कहेंगे कि यू नीड सम एक्सपर्टीज, क्योंकि उसके लिए जो है वो काफ़ी फॉर्म्स होते हैं जो फिल करने होते हैंगे अलॉन्ग विद जो मोर एक्सीडेंट रिपोर्ट वगैरह है वो सारी चाहिए होती हैगी। तो ये क्लेम जो होता है ये $65,000 जो है इसकी लिमिट हैगी, यानी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो $65,000 तक का ट्रीटमेंट देगी और आपको जो है वो उसके साथ साथ इनकम लॉस प्रोवाइड करेगी, यानी $400 मैक्सिमम जो कि पॉलिसी में होता है। अगर किसी ने जो है वो बेनिफिट्स जो है वो एक्सटेंडेड लिए हुए हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम पे किया तो उसको वो जो है वो एक्सटेंडेड देगी। किसी ने बहुत से $600 का जो है वो वीकली इनकम लॉस बाय करते तो उसको $600 मिलेगा। तो ये क्लेम जो है ये इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करेगी। और इसके साथ साथ जो है अगर फ़र्ज़ किया कि इंजरी सीरियस हो जाती है, यानी जिसको कहते हैं कि कैटास्ट्रॉफिक हो जाती हैंगी, यानी फ़र्ज़ किया कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसकी एक्सीडेंट का जो है वो कोई हाथ वगैरह जो है एम्पुटेशन हो गई, कोई लेग सीवियर फ्रैक्चर हो गया, कोई मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए वगैरह एक्सक्यूज़ मी, तो वो जो है वो फिर कैटास्ट्रॉफिक हो जाता हैगा। और उस कैटास्ट्रॉफिक में जो क्लेम की लिमिट है वो तकरीबन $500,000 जो है वो हो जाती हैगी, यानी फॉर लाइफ, फिर फॉर लाइफ हो जाता हैगा। और इसी तरह $500,000 जो है यानी हाफ ए मिलियन जो है वो पर्सनल केयर के लिए हो जाती है। इसमें जो है इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बहुत सारे काम करवाती है, यानी कि ट्रीटमेंट दिलवाएगी, काउंसलिंग करवाएगी, सोशल वर्कर चाहिए वो प्रोवाइड करेगी, कोई घर में कोई मॉडिफिकेशन चाहिए वो प्रोवाइड करेगी, कोई व्हीकल जो है वो कुछ मॉडिफाई करना आएगा, क्योंकि अगर पर्सन जो है वो अपनी लेग यूज़ नहीं कर सकता आएगा उसको कुछ और सिस्टम्स चाहिए तो वो मॉडिफाई करेगी सारी, यानी मतलब देर आर लॉट ऑफ क्लेम्स है ना इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो ये तो पहला पार्ट है का ना क्लेम का। यूजुअली जो होता है क्योंकि लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू के ज़्यादा क्लेम्स होते हैंगे, क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी सेफ हैंगी तो इसलिए मल्टीपल फ्रैक्चर वगैरह के केसेस कम ही होते हैंगे, लेकिन बहरहाल होते हैंगे, सबके साथ नहीं हैगा। तो ये जो है वो सॉफ्ट टिश्यू के केसेस में आमतौर पे केसेस जो हैं वो 1.5 ईयर टू 2 ईयर में सेटल हो जाता है क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर 1.5 ईयर कहती है जी ये लमसम अमाउंट ले लो और ये केस हम सेटल कर दें, यू टेक दिस मनी, पुट योर मनी इन योर पॉकेट एंड गो गेट योर ओन ट्रीटमेंट। तो ये जो है, तो आई थिंक जो दूसरा इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैगा इस केस का वो है कि जो सू करते हैं अदर ड्राइवर को वो कहलाता है बेसिकली टॉर्ट क्लेम, यानी एक्शन इन नेग्लिजेंस। ये टॉर्ट जो है ये एक टर्म है जो इंग्लैंड से शुरू हुई, यानी इफ़ अ पर्सन हैज़ इंजर्ड एन अदर पर्सन सो द पर्सन हु इज़ इंजर्ड हैज़ अ क्लेम अगेंस्ट दी अदर पर्सन, यानी थर्ड पर्सन जिसने की वजह से जो है वो इंजरी हुई है। तो उसमें जो है वो सू कर सकता है आप 2 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन वट एवर हिज क्लेम्स आर जो भी उसका है, तो वो जो है वो उसकी इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। ये क्लेम यूजुअली जो है वो सेटल हो जाता है तकरीबन 2 ईयर्स टू 3 ईयर्स डिपेंडिंग के मतलब ये कि नेचर ऑफ इंजरीज क्या है। तो ये सॉर्ट ऑफ क्लेम हैगा। इसमें एक अच्छी बात ये है कि ज़ाहरी बात है कि जो डैमेजेस हुई हैं बॉडीली हुई हैं साइकोलॉजिकल हुई हैं, तो वो डैमेजेस तो जो है वो कभी भी एक्सीडेंट के बाद ये मतलब ये कि गिवन चीज़ है कि 100% रिकवरी तो आमतौर पे इम्पॉसिबल हैगी। और जो है तो लेकिन यहाँ पे लॉ इस किस्म का बनाया गया है कि जैसे मॉनेटरी कंपनसेशन प्रोवाइड कर देता है ताकि एटलीस्ट जो लॉसेस हुए हैंगे तो वो जो है वो बेसिकली पर्सन की लाइफ किसी हद तक जो है वो बिल्कुल कवर हो सके। इसमें एक चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब तक आप जो है वो एक्सीडेंट बेनिफिट्स का क्लेम स्टार्ट नहीं करेंगे तो जब तक आप सू नहीं कर सकते हैं दूसरे अदर ड्राइवर को। अच्छा, वो ज़रूरी हैगा। क्यों? इसलिए कि अगर आपने वो एक्सीडेंट बेनिफिट्स का क्लेम स्टार्ट नहीं किया हैगा तो इसका मतलब है आप इंजर्ड नहीं हैंगे। यू कैन नॉट सू के जी 2 साल बाद ख्याल आया कि मतलब ये जो है वो सू कर दे 2 साल के अंदर अंदर। एक चीज़ बड़ी अच्छी याद आ गई कि अपने बता दूँ कि ये जो सू करने का अमल है ये आप 2 साल के अंदर अंदर कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट। और इसी तरह से जो एक्सीडेंट बेनिफिट का क्लेम स्टार्ट करना हैगा वो आपने जो है वो 30 डेज में आपने स्टार्ट कर देना हैगा। यानी जब एक्सीडेंट होता है तो लोग जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करते हैंगे तो बताते हैं जी हमारी गाड़ी डैमेज हो गई है, गाड़ी को आमतौर पर टो करके लोग वर्कशॉप पर ले जाते हैंगे जो ट्रक ड्राइवर वगैरह जो है। तो आपने इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके क्लेम जब देते हैं, क्लेम नंबर देते हैं, तो वो 2 एडजस्टर अपॉइंट कर देते हैं, यानी एक जो होता है वो गाड़ी से डील करता हैगा और एक जो है वो डील करता हैगा आपकी हेल्थ से। तो अगर हेल्थ का क्लेम आपने स्टार्ट करना है यू ऑब्वियसली द एडवाइस इज दैट बेटर
क्योंकि गाड़ी का क्लेम तो वो दो हफ्ते में पे ऑफ कर देते हैं, एंड दे आर फेयर इन दैट, मीन्स टू से दैट जो भी गाड़ी की वैल्यू हैगी वो आप देख लें ऑटो ट्रेडर वगैरह पे, जो भी गाड़ी की वैल्यू है तो वो आमतौर पे वो आपको एविडेंस देके वो पे क्लेम पे कर देते हैं। लेकिन जो इंजरी क्लेम हैगा, ऑब्वियसली दैट्स मोर टेक्निकल, जो हमने अर्लियर बात की कि यू नीड द हेल्प ऑफ यकी डेफिनेटली अ लॉयर, ताकि वो क्लेम जो है वो प्रॉपरली प्रोसीड किया जा सके। तो ये दो तरह के क्लेम्स हैंगे, लेकिन इनको स्टार्ट करने के लिए जो है वो यकीनन आपको एक्सपर्टीज चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये रिकमेंडेबल नहीं है कि एक शख्स जो कि इंश्योरेंस लेने के लिए जा रहा है उसको इन तमाम बातों का पता होना चाहिए कि वो क्या क्या चीज़ कवर कर रहा है, चूँकि अगर उसने इंश्योरेंस के पेपर साइन किए हैं, उसने एक इंश्योरेंस ले ली ए बी सी डी किसी कंपनी से, तो उसके लिए भी कुछ उसको ये इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम आप लोगों ने कोई ऐसा शुरू किया है कि उसको पता होना चाहिए कि व्हेन ही इज़ गोइंग टू सेलेक्ट अ इंश्योरेंस कंपनी, सो व्हाट आर दी पॉइंट्स दैट जिसको कि वो नज़रअंदाज ना करे, वो आपके लिए आसानी होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर उसका कंप्रीहेंसिव एग्रीमेंट होगा तो। आपकी बात बिल्कुल सही है। आमतौर पे जो इंश्योरेंस बाय करते हैं ना, तो लोग जाते हैं इंश्योरेंस ब्रोकर्स के पास, डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करते हैं। तो ज़्यादातर जो बेसिकली जो कार इंश्योरेंस की पॉलिसी में जो बेनिफिट्स हैं ना, वो स्टैंडर्ड बेनिफिट्स होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड बेनिफिट्स रहेंगे उसमें। ये कि आप टॉप अप तो ले सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट ने लॉज बनाए बेसिक चीज़ें हैं, गवर्नमेंट ने जो लॉज बनाए हैं हाँ वो मैंडेटरी हैं, वो सारे जो है वो में जो है वो इंक्लूड होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था सारी चीज़ें, ये सारी इंक्लूड होती हैं। और जो लायबिलिटी लिमिट है जिसका हमने बात किया था $1 million-$2 million की, तो एज पर लॉज जो है वो मिनिमम जो है वो $200,000 की लायबिलिटी चाहिए है, यानी मिलियन की नहीं चाहिए है। अगर कोई कहे कि मतलब, लेकिन आम तौर पे लोग जो हैं वो मिलियन की बाई इसलिए करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए, क्योंकि 2 लाख आजकल के दौर में जो है वो कुछ भी नहीं हैंगे, पर्टिकुलरली पहले डिस्कस किया। जी हाँ जी हाँ जी, तो ये हैगा। तो इसलिए जो है उसमें मतलब, और जो ब्रोकर्स वगैरह जो इंश्योरेंस देते हैं वो सारा बता देते हैंगे, वो एग्रीमेंट में लिखा होता है, वो स्टैंडर्ड बेनिफिट है, वो स्टैंडर्ड। हाँ, तो उसके ऊपर खास में उसके ऊपर जो है, हाँ नहीं नहीं हाँ, लेकिन ये ज़रूर हैगा कि जब आप इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्ट करें जी, तो आप थोड़ी सी ज़रा उस पर रिसर्च कर लें। मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो आप यकीनन देख लें, आप रिव्यूज़ पढ़ लें, आप रेटिंग्स देख लें कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्लेम देने बहुत में इजीली दे देती है, बहुत जी ये है जो है, अब ये आप जो है वो इसको रिव्यूज़ वगैरह देख लें और फिर आप सेलेक्ट करें, ताकि जब आपको नीड हो, क्योंकि इंश्योरेंस का काम ही यही है कि व्हेन यू आर इन नीड अ फ्रेंड इज़ देयर। बिल्कुल ये बिल्कुल जी बिल्कुल। नाज़रीन देखिए, ये बड़े ज़रूरी बड़े टिप्स हैं कि जब भी आप किसी इंश्योरेंस कंपनी, चूँकि इंश्योरेंस लेना यहाँ पे मैंडेटरी है, आपको लेनी ही लेनी है, तो जब आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएं तो उनके रिव्यूज़ देखें जैसा कि रज़ा साहब ने बताया, और पूरी रिसर्च करने के बाद अगर हम, चूँकि अक्सर ये होता है कि हम बैक होम आते हैं, हमें उनकी सीवियरिटी का पता नहीं होता, यहाँ पर क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, हमारे मुल्कों से और यहाँ के ममालिक के अंदर बहुत डिफरेंस है, तो आप उन लोगों के पास चले जाएं जो कि यहाँ पर पहले से रह रहे हैं, जो कि चीज़ों को समझते हैं, सिस्टम को समझते हैं, 2-3 लोगों से मशवरा करें, और उसके बाद ये डिसाइड करें कि आपने किस इंश्योरेंस कंपनी में जाना है, ताकि आपको किसी हादसे की सूरत में परेशानी ना हो। रज़ा साहब, इसके साथ साथ मैं आपसे आखिरी बात ये ज़रूर करूँगा कि यहाँ पर बहुत सारे लॉयर्स हैं, इंजरी के लॉयर्स मैं देखता हूँ बहुत हैं, और ये कहते रहते हैं कि जनाब डोंट पे आवर फी, जब आपका क्लेम हम दिलवाएंगे तो उस वक्त जो है हम आपसे फ़ीस ले लेंगे, तो इस किस्म की बहुत सी चीज़ें हैं जिसके अंदर लोगों को बड़े सेटबैक्स भी आए। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत से ऐसे हमारी कम्युनिटी में लोग हैं जिन्होंने कि लोगों ने कहा यार हमें तो क्लेम नहीं मिला, या हमें तो कुछ भी नहीं मिला, या वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को उन्होंने फ़ेस किया। तो आप क्या समझते हैं कि एक शख्स अगर आपके पास आ रहा है तो उसके लिए ट्रस्ट के लिए आप उसको क्या दे रहे हैं? ये आपका देखिए बहुत अच्छा सवाल हैगा, और मुझे जब लोग कॉल करते हैं ना एक्सीडेंट के बाद, वो इनिशियल कुछ डिस्क्रिप्शन के बाद, एक्सीडेंट कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद में तकरीबन 50-60% ये क्वेश्चन ज़रूर ये करते हैंगे कि हमें कितने का क्लेम मिलेगा। मेरा एज ए लॉयर उनको ये जवाब होता है कि मेरे पास कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है कि मैं अभी बता सकूं कि आपको जो है वो कितने का क्लेम मिलेगा। ये लिमिट्स है जैसा अभी हमने पहले डिस्कस की। बिल्कुल, मेरा काम ये है कि आपको जो है वो मैक्सिमम सेटलमेंट, सबसे पहला जो मेरा गोल है वो ये हैगा कि आपको ट्रीटमेंट मिले,
आपको इनकम लॉस मिले, आपको जो बेनिफिट्स आप डिज़र्व करते हो वो सारे मिले, सबसे पहला मेरा गोल ये है। और मुझे तो उस पर फीस भी नहीं मिलती है भाई, जो हम आपको बेनिफिट दिलवाते हैं सारे, तो उस पर फीस नहीं मिलती हैगी। और इन द एंड फिर ये हैगा कि हम आपको जो है वो मैक्सिमाइज करें आपके केस को और आपको मैक्सिमम हम सेटलमेंट दिलवाएं जी। लेकिन क्या अमाउंट होगा सेटलमेंट का ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता, ना ही ये आपको जो है वो मे बी 6-8 महीने बाद बता सकूंगा। रीज़न उसका बड़ा सिंपल सा ये कि बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इसमें, यानी इंजरी की सीवियरिटी तो इनिशियली तो नोन नहीं होती है, कुछ केसेस में नोन होती है लेकिन आमतौर पर केसेस में नोन नहीं होती है राइट। उसके अलावा आप कितने अरसे ऑफ वर्क रहते हैं, आप जो है वो घर का काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। प्लस ये कि अब अगर फर्ज किया कि एक्सीडेंट के 2-3 महीने बाद एक किसी का अल्ट्रासाउंड होता है, कोई एक्सरे होता है, उसमें फ़र्ज किया उसका कोई सर्विकल का इशू आ जाता है, कोई उसका डिस्क बल्जिंग का इशू आ जाता है, कोई उसका शोल्डर टीयर का इशू आ जाता है, तो अब केस की जो सीवियरिटी है वो चेंज हो गई है। पहले जो है वो नंबर 1 पे था, अब वो 5-6 पे आ गया, हो सकता है ये 10 पे भी चला जाए, यानी मैक्सिमम सीवियरिटी पे चला जाए। तो इट ऑल विल डिपेंड। हमारा काम ये है कि केस को जो है वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बिल्ड करना। बिल्ड करने का मतलब ये एविडेंसेस कलेक्ट करना, कहाँ कहाँ से आप ट्रीटमेंट पे जा रहे हैं, फिजियो पे जा रहे हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, वी इन्वेस्ट आवर ओन मनी टू गेट ऑल द रिकॉर्ड। और हमारा काम ये है कि आपके केस को मैक्सिमम ले जाके सेटल करना, ये हमारा गोल हैगा। इसमें हम जो है वो बड़ा डिलीजेंटली काम करते हैं सैयद लॉ ऑफिस अपने क्लाइंट्स के साथ, और हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क क्लाइंट्स के साथ बहुत ही प्रॉपर होता है कि वी हैव मंथली मीटिंग विद आवर क्लाइंट, जहाँ पे हम उनकी सारी एविडेंस रिव्यू करते हैं। आजकल हम लोग ये मीटिंग जूम पे और व्हाट्सएप पे करते हैं, तो कि जी अभी आपकी ये एविडेंस हैगी और अभी केस इस सिम्ट में जा रहा हैगा, तो आप जो है वो फर्दर जो है वो क्या क्या आप करेंगे जिसकी वजह से हमारे पास फर्दर और कुछ एविडेंस आए। फिर ये कि हम जो है वो लोग जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं हम उनको अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास भेजते हैं और हम उनसे जो है वो रिपोर्ट्स लेते आएंगे। तो हमारा जो फोकस है ना वो ये है कि केस की वैल्यू जो है उसको बिल्ड किया जाए और फिर जो है वो मैक्सिमम अमाउंट जो है वो क्लेम किया जाए सेटलमेंट के लिए, ये हमारा फोकस रहेगा। हमारे पास जो भी लोग आते, बिलीव मी, हमारा सक्सेस रेशियो जो है, यानी जो केस हम जब हम हर केस नहीं लेते हैं, मतलब ये अगर कोई शख्स जो है वो बिल्कुल ही सही है, मामूली बेंडर फेंडर एक्सीडेंट हुआ है, तो यकीनन हम वो केस नहीं लेते हैं। वो इसलिए हम सिर्फ वो केस लेते हैं जिसमें हमें पता हो कि हम के इस शख्स को इंजरीज हुई होंगी, हम इसको जो है वो ये सेटलमेंट हम इसको दिलवा सकेंगे, तो या इसको हम जो है ये हेल्प प्रोवाइड करेंगे इनिशियली और इसका केस जो है वो सेटल हो जाएगा, ताकि हमें जो है वो ये बाद में हमें ये इशू ना हो कि जी हमने जो है वो उसको सेटलमेंट दिलवाया या उसका क्लेम जो है वो हमने सही से प्रोसेस नहीं किया। तो वी आर ए कम्युनिटी लॉ फर्म जैसा आपने कहा, और हमारी कोशिश ये है कि हम जो है वो ट्रस्ट पे काम करते हैं। ये लॉयर और क्लाइंट का जो रिलेशनशिप है ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बेस्ड हैगा। तो मैं ये कहूँगा कि जी सैयद लॉ ऑफिस के पास आप यकीनन आएँ, 12 साल से इसी एरिया में है कम्युनिटी की, वी अंडरस्टैंड, हमारे जो कम्युनिटी पर्टिकुलरली है जिसके लिए ये प्रोग्राम जो है हम कर रहे हैं कि हम आपके सोशल सिस्टम को समझते हैं, मैं भी उसी बैकग्राउंड से हैं, आप भी उसी बैकग्राउंड से हैंगे, हमें पता आएगा कि अगर हमारी कम्युनिटी में जो एक ब्रेड अर्नर है उसकी जो है अगर इंजरी हो जाए तो उसको जो है वो क्या क्या सिचुएशन है। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट मेरे जहन में आई, इससे पहले कि आप जाएँ उसका मैं अपॉर्चुनिटी लूँगा कि आपसे मैं पूछूँ कि अक्सर मैंने ये भी देखा है कि एक्सीडेंट हुआ, अब फर्ज करें मेरा एक्सीडेंट होता है और मैं ये देखता हूँ कि नहीं यार मैं ठीक हूँ, तो मैं कह देता हूँ नहीं, अच्छा हमें ये कहा जाता है कि नहीं नहीं आप हॉस्पिटल ज़रूर जाएँ, लेकिन हम नहीं जाते। पता लगता है कि 1-2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के बाद अचानक पीछे पेन शुरू हो गया, तो मतलब मेरा आप क्या रिकमेंड करते हैं कि हॉस्पिटल ज़रूर जाना चाहिए इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए? देखिए हम तो ये एडवाइस करते हैं कि जी आप जो है वो क्लेम स्टार्ट कर दें। अच्छा, आप जो है वो लॉयर रिटेन करें, कोई फीस तो देनी नहीं है राइट, और आप क्लेम स्टार्ट कर दें राइट। अभी जो है फर्ज किया हो सकता है कि इस स्टेज पे इंजरी ना हो, जैसा आपने कहा 2-3 महीने बाद जो है सडनली मतलब ये कि बैक पेन शुरू हो जाए, नेक पेन शुरू हो जाए, तो एटलीस्ट योर क्लेम इज देयर राइट। तो जो फैक्टर है ना, जो बेसिकली जिसको कहते हैं ना कि इंटरवीनिंग पीरियड यानी जब एक्सीडेंट हुआ और फर्ज किया कि 2-3 महीने बाद प्रॉब्लम शुरू हुई, तो उसमें जो है वो क्या कॉज हुआ ऐसा फर्दर, क्योंकि देन इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट क्वेश्चन, ओके यू सेड दैट यू आर ओके बिकॉज एक्सीडेंट, नाउ यू आर सेइंग दिस, तो मतलब ये कि इस बीच में क्या इंटरवीनिंग फैक्टर हुआ, व्हाई यू आर सेइंग दैट, तो देन मतलब ये कि वी विल हैव टू वर्क ऑन द एविडेंस फिनोवाद के जी क्या एविडेंस ऐसी है कि जी जो है वो मतलब ये कि फैमिली डॉक्टर के पास गया था, बीच में नहीं गया था, कोई कंप्लेन की नहीं की, लेकिन बहरहाल
मसला ये है कि अगर ऐसा भी है वी कैन डील विद दैट, मतलब ये कि ये कोई फेटल नहीं है केस के लिए कि जी ये बिल्कुल फेटल हो गया, अब जो है वो कोई क्लेम नहीं मिल सकता. नो इट्स नॉट. लेकिन दो साल का पीरियड है, दो साल का पीरियड हैगा मैक्सिमम, लेकिन वो सू करने के लिए जो क्लेम स्टार्ट करे 30 दिन में कर दें, अगर नहीं किया 30 दिन में कोई मसला नहीं है, यू कम टू अस एंड देन वी एडवाइज यू. लेकिन जो आपने हॉस्पिटल की बात की ना, हॉस्पिटल देखें बहुत सी दफ़ा लोग नहीं जाते हैं क्योंकि हॉस्पिटल में रश होता है, यकीनन अनटिल एंड अनलेस सीरियस इंजर्ड नहीं है तो वहाँ पे टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है. लेकिन एम्बुलेंस जब आती है, मोस्टली जो एक्सीडेंट होता है तो एम्बुलेंस आती है, तो एम्बुलेंस में पैरामेडिक्स चेक करते हैं, वो पैरामेडिक्स जो है वो सारे अपने नोट्स ले रहे होते हैं, रिपोर्ट बना रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो है जो भी आपको इनिशियली आप फील कर रहे हैं, फ़र्ज़ किया कि यू स्ट्रक योर हेड ऑन द डैशबोर्ड, तो आप बताएंगे कि ये हुआ है, मैं आई लॉस ब्रीफ, आई वॉज ब्रीफ ब्रीफली अनकॉन्शियस, मतलब ये कि 15-20 सेकेंड आई वॉज लाइक दैट. वो इसलिए होता है कि बहुत सी दफ़ा जब आपको जो पता नहीं होता है एंड यू स्ट्रक योर हेड, और या आपका हेड साइड में हिट हो, या कोई मतलब ये कि बैक्स जो है वो आपके हेड रेस्ट पर जाके बहुत सी दफ़ा शॉक हो, या बहुत सी दफ़ा जो है वो जो एयर बैग है वो आपके फेस पर आता है और वो हेड पर भी लगता है, तो इससे बेसिकली कंकशन डेवलप हो जाती है, और ये कंकशन की वजह से जो है वो मेमोरी लॉस, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वगैरह होने का खतरा होता है, और आपको जो है वो स्पिन आपका हेड होता रहता है अक्सर, और हेड एक्स वगैरह हो जाते हैं. तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है. अगर आप इनिशियली अपनी सिम्टम्स रिपोर्ट कर रहे हैं, राइट, फर्ज किया कि आप एम्बुलेंस आई, आपने एम्बुलेंस को कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, राइट, एम्बुलेंस चली गई, अपने कहा नो राइट नाउ आई डोंट नीड, तो बस प्ले सेफ, मतलब डोंट टेल के जी आई एम 100% ओके, आई डोंट नीड एनीथिंग, से दैट आई एम नॉट फीलिंग राइट नाउ, बट द थिंग इज दैट आई डोंट नो, आई डोंट नो, या एग्जैक्टली, या ओके, तो आप इस तरह से मतलब ये कि सेफ खेलें, एंड बस द बेस्ट थिंग इज दैट यू कॉल, यू नो व्हाट, द लॉयर, ठीक है, आप लॉयर को कॉल करें, वो आपको एडवाइस देगा कि क्या करना है. डोंट लाई, ओके, डोंट लाई, बट द थिंग इज दैट यू हैव टू प्रोटेक्ट योर राइट, राइट. लॉ में जो है जैसे साइलेंस आपका राइट है, इसी तरह जो है वो आपको अपनी इंफॉर्मेशन जो है एट दैट टाइम जो प्रोवाइड ना करना, ये भी आपका राइट है, अनटिल एंड अनलेस यू आर फोर्स्ड बाय लॉ. तो पुलिस को जो जब हम इनिशियल रिपोर्ट दे रहे होते हैं, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि आप अपने लॉयर को फ़ोन करें और वो पुलिस से बात करें, आप अपनी पूरी हिस्ट्री अपने लॉयर को बताएं, इंस्टेड ऑफ, चूँकि लोगों को फिर ये नहीं पता होता कि पुलिस से क्या बात करनी है. कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, पुलिस को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देता, जो इनिशियल रिपोर्ट बनती है उसके भी बड़े इम्पैक्ट होते हैं. अगर आप इस सिचुएशन में कोई भी ऐसा है ना, तो पुलिस आपको फोर्स नहीं कर सकती कि आप स्टेटमेंट दें. आप उसको इन्फॉर्मेशन दे दें खाली अपनी, आप अपना ड्राइवर लाइसेंस दे दें, आप उसको अपना वो जो है वो रिपोर्ट बना लेगा, वो जो है वो किसी और विटनेस से स्टेटमेंट ले लेगा जो अगर कोई वहाँ पर होगी. लेकिन अगर आप इस कंडीशन में नहीं है, तो आप उससे कह दें राइट नाउ आई एम नॉट इन कंडीशन, वो बाद में हॉस्पिटल आ जाएंगे आपका स्टेटमेंट लेने, या आपसे कहेंगे कि जी आप जो है वो पुलिस स्टेशन आ जाओ वगैरह वगैरह, ये कर लेंगे, वो आपका स्टेटमेंट ले लेंगे. और हर स्टेटमेंट हर केस में ज़रूरी भी नहीं होता हैगा, ये हैगा, तो आप जो है वो बगैर स्टेटमेंट के भी हो सकते हैं. लेकिन बिलीव मी, अगर आपने स्टेटमेंट देना है तो बी केयरफुल कि आपके पास जो है बिल्कुल राइट इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि वो स्टेटमेंट लेटर ऑन कोर्ट में कॉल किया जाएगा और दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू. बहुत बहुत शुक्रिया रजा साहब, आपने इतनी इंफॉर्मेशन दी है इस वक्त. आप यकीन कीजिएगा इस थोड़े से वक्त में, आधे घंटे में हमने जो इनसे इंफॉर्मेशन ली है, मैं समझता हूँ बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन है. और अगर आप ये इस प्रोग्राम को देखें और गौर करें और अपनी लाइफ को इसके हिसाब से जहन में रख के चलें, और जब भी ड्राइविंग करें, ऑफ कोर्स ड्राइविंग के दो उसूल हैं, एक तो ख़ुद ठीक गाड़ी चलाना और फिर दूसरे की गलती से ख़ुद को बचाना. तो ये तमाम चीज़ें बहरहाल जहन में रखें. मैं चाहूँगा सर कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो फौरी तौर पे अगर वो आपको कॉल करना चाहे तो कोई नंबर बताइए. जी, हमारा डायरेक्ट सेल नंबर है 416-937-5046. ये डायरेक्ट सेल नंबर है, हमारा हॉटलाइन नंबर है, तो आप जो है इस नंबर पे कॉल करें. और हमारा हमारी वेबसाइट जी www.sraza.ca, उस पर बहुत इन्फॉर्मेशन दी हुई है. उस पर हमारे क्लाइंट्स के जिनके केसेस हमने जो है वो सेटल कराए हैं, वी हैव रिकॉर्ड ऑफ $1.2 million केस विच वी सेटल्ड इन 2021. $1 lakh के हमने कितने केस सेटल करा दिए, इसका कोई हिसाब नहीं है. तो मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहूँगा कि कॉल करें 416-937-5046 पे. हम इनका, आप देख रहे होंगे इनका स्क्रीन के ऊपर नंबर भी आ रहा है, जो नंबर सही साहब ने बताया है, और इनका एड्रेस भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा. तो आप ज़रूर ऐसी सूरत में, या वैसे भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप सैयद रज़ा को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. हमारा प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, आपके रिव्यूज़ का इंतज़ार रहेगा, और इंशाल्लाह हम सैयद रज़ा को
زحمت دیتے رہیں گے, بلاتے رہیں گے وقتاً فوقتاً, اور ہم ان سے گزارش کریں گے کہ یہ ہمارے لوگوں کو ایسے ہی مفید مشورے اور انفارمیشنز پرووائڈ کرتے رہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ندیم صاحب, آپ کا بہت بہت. گئے گئے گئے, اب تو سچ میں گئے. ارے بھائی کیا ہوا, 3 ہفتے پہلے کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا, ہاں, جس کی وجہ سے کام پر نہیں جا پا رہی. آئی نو دیٹ. اب تو انشورنس نے ٹریٹمنٹ بھی ڈینائی کر دیا. ارے تم دل چھوٹا مت کرو, بس کال کرو اپنے کمیونٹی کے انجری لوئر سید احمد رضا کو, اور سنو, سید لا گاٹ اوور اے ملین ڈالر ان سیٹلمنٹ ٹو ون آف ہز کلائنٹس. واٹ, اوور اے ملین ڈالر ٹو ہز کلائنٹ؟ جی ہاں, اب ہوا نا اپنی کمیونٹی کے لوئر کا فائدہ. 10 years of experience, easily accessible. Get the compensation you deserve. And no fee until he settles your claim, car accident or slip and fall. Call Sayed M. Raza of Sayed Law. Chow.